अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज आप सभी आशिकाने रसूल के लिए उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो का एक बड़ा अजीबोगरीब वाकया लेकर आए हैं, जिसको सुनने के बाद आपका दिल और ईमान यकीनन ताजा हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, आज से पहले शायद ये वाकया आपने कभी नहीं सुना होगा। प्यारे दोस्तों, सभी आशिकाने रसूल से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों, उमर फारूक आजम के दौर में एक गरीब काफिला मदीनाए मुनव्वरा के करीब आकर रुका, जिस काफिले में एक मियां और बीबी थे। बीबी हामिला थी, यानी कि प्रेग्नेंट थी। ऐसे में वो उमर फारूक आजम से मुलाकात के मुंतजर थे और ये चाहते थे कि उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु उनकी मदद करे। तो दोस्तों, जब वो काफिला मदीनाए मुनव्वरा में रुका, तब उस वक्त उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो भेष बदल कर मदीना में घूम रहे थे, ताकि किसी गरीब की आवाज़ को सुन सके और उसकी मदद कर सके। प्यारे दोस्तों, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो की बड़ी शान है कि वो भेष बदल कर गरीबों की मदद किया करते थे। ऐसे में जो गरीब लोग थे, वो आपको पहचान नहीं पाते थे कि ये वक्त के बादशाह हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो है। प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दे, जब उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो उन मियां बीबी के खेमे से गुजरे, तो उस वक्त खेमे से एक जोरदार चीखने की आवाज आई। तो जब आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इस आवाज को सुना, तो फौरन उस खेमे में आवाज लगाई और ये बात कही, ये औरत क्यों चीख रही है। तो ऐसे वक्त में उस औरत का शौहर फौरन बाहर आया और आकर ये बात कहने लगा, मेरी जो बीवी है वो पेट से है, इसलिए वो चीख रही है, चिल्ला रही है, और बच्चे की पैदाइश का वक्त भी आ चुका है, लेकिन हमारे पास कोई भी जरूरत का सामान मौजूद नहीं है। ये बात सुनते ही फौरन हजरत रजी अल्लाह ताला अन्हो ने ये बात कही, अगर आप चाहो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अगर आप इजाज़त दे तो मैं अपनी जौजाए मोहतरमा यानी अपनी बीवी को आपके खेमे के करीब लेकर आऊँ और वो आपके बीवी की मदद करे, ताकि आपके बीवी के बच्चे की आसानी से पैदाइश हो सके। ऐसे वक्त में वो जो शख्स था, वो राजी हो गया और बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। और उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो फौरन अपने घर आए और अपनी बीवी से कहा, मदीना मुनव्वरा में एक काफिला आया हुआ है, वो लोग बहुत ही ज्यादा गरीब है। ऐसे वक्त में उस खेमे में एक औरत है जो पेट से है, यानी हामिला है, और बच्चे की पैदाइश का वक्त आ चुका है, और वो जो औरत है वो दर्द के मारे तड़प रही है। उनके पास इतने पैसे नहीं है जो किसी तबीब को बुलाकर ले आए। और दोस्तों, ये बात सुनने के बाद उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो की जो बीवी थी, वो ये बात कहने लगी, अगर ये आपका हुक्म है तो मैं ये जरूर करूँगी, मैं आपके साथ चलने को बिल्कुल तैयार हूँ। तो दोस्तों, उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो और उनकी बीवी उस खेमे की ओर चल पड़े, और वहाँ पहुँचते ही उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो की बीवी उस खेमे में दाखिल हुई और जाकर उस औरत की मदद करने लगी। दोस्तों, फिर कुछ देर के बाद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो की बीवी ने ये आवाज लगाई, ए अमीरुल मोमिनीन, इस औरत के शौहर को बता दीजिए, इनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि उस शख्स को अल्लाह ताला ने बेटा अता किया है। तो जैसे उस शख्स ने ये बात सुनी कि उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो की बीवी ने अमीरुल मोमिनीन अल्फाज का इस्तेमाल किया, तो फौरन ही उस शख्स के होश उड़ गए। वो शख्स हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से डरता हुआ अलग हो गया। प्यारे दोस्तों, ये वही शख्स था जो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से मदद की गुहार करने आया था, और वो ये चाहता था कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो उसकी मदद करे, लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो उसका इस कदर मदद करेंगे कि उसने तसव्वुर भी नहीं किया था, उसने सोचा भी नहीं था। उनका लिबास देखकर वो शख्स इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाया कि ये हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो है। प्यारे दोस्तों, ये होती है अल्लाह के नेक बंदों की पहचान, जो अपनी जिंदगी सादगी के साथ गुजारते हैं। आधी दुनिया के बादशाह होने के बावजूद आपका जो पहनावा था, वो इस कदर सादा था कि लोग आपको पहचान नहीं पाते थे कि आप ही आधी दुनिया के बादशाह हैं। ऐसी सादगी भरी जिंदगी हजरत उमर रजी अल्लाह ताला उन्होंने गुजारी। जब ये वाकया गुजर गया, उस शख्स को बेटा पैदा हो गया, तो ऐसे वक्त में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला उन्होंने ये बात फरमाई कि तुम मदीना मुनव्वरा किस हाजत से आए थे। तो ऐसे में उस शख्स ने ये कहा
कि हम हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अनहु से मुलाकात करने के लिए आए थे और हमें सच में ये बात मालूम नहीं थी कि आप ही उमर रजी अल्लाह ताला अनहु है और मदीना मुनव्वरा आने का हमारा मकसद ये था कि हमारी जो हालत है वो बहुत खराब है, हम बहुत ही ज्यादा गरीब है, ऐसे में हम आपसे मदद मांगने आए थे। प्यारे दोस्तों, जैसे ही हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अनहु ने इस बात को सुना तो फरमाया, कल मेरे दरबार में आ जाना, जो भी तुम्हारी हाजत है सब पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो दोस्तों, ये है अल्लाह ताला के नेक बंदों की पहचान, जो लोगों की मदद करने के लिए सादगी को पसंद करते हैं, ताकि लोगों को इस चीज का एहसास ना हो सके कि वो गरीब है और उनकी जिंदगी परेशानी में गुजर रही है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अनहु की शान तो ये है कि एक मरतबा आप रजी अल्लाह ताला अनहु ने अपनी बीवी से कहा, आज मेरा हलवा खाने का मन कर रहा है। तो आपकी बीवी ने कहा, जो माले गनीमत में से हमें मिलता है वो बहुत थोड़ा सा है, ऐसे में गुजारा करना मुश्किल है, तो ऐसे में मैं आपके लिए कैसे हलवा बनाऊं। तो यह बात सुनने के बाद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो खामोश हो गए। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो खाना खाने के लिए दस्तरखान पर बैठे तो आपकी बीबी खाने के साथ हलवा भी लेकर आई। जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हलवे को देखा तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हो बहुत खुश हुए और आपने हलवा खाया। लेकिन हलवा खाने के बाद आपने अपनी बीवी से ये बात कही कि माले गनीमत में से हमें इतना थोड़ा सा मिलता है कि हमारा गुजारा हो जाए, तो आज ये हलवा कैसे बना। तो ये बात सुनने के बाद आपकी बीवी ने कहा कि जब आपने ये बात कही कि आपका हलवा खाने का मन है, तो तभी से मैंने ये बात ठान ली थी और जब मैं आटा गूंधती तो मैं एक मुट्ठी आटा अलग कर लेती और आटा चालते वक्त थोड़ा सा आटा निकाल लेती और जब एक मकदार में जमा हो जाते तो मैं इसे बाजार में बेच आती और इसके बदले में चीनी खरीद लाती। और फिर जब मैंने ऐसा ही किया और फिर इसके बाद मैंने आपको हलवा बनाकर खिलाया, फिर उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो वहाँ पहुँचे जहाँ पर माले गनीमत को बांटा जाता है और जो माले गनीमत को बांट रहा था उनसे कहा कि हमारे आटे में से जो हमें आटा मिलता है उसमें से एक मुट्ठी आटा और कम कर दिया करो, क्योंकि इतने में ही हमारा गुजारा हो जाता है। तो दोस्तों, देखा आपने उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो को, जो आधी दुनिया के बादशाह हैं, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी एकदम शादी थी, यानी वो अपनी जिंदगी को एकदम सादगी के साथ गुजारा करते थे। तो दोस्तों, ये वीडियो और ये वाकया आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको फिर एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।